हे पिप्स, तो रिसेंटली अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विप्रो की एग्जाम्स अभी दे रहे हैं. लाइक विप्रो एग्जाम्स इज गोइंग ऑन, सो आई थिंक व्हाई नॉट मेक अ वीडियो रिगार्डिंग विप्रो एसे राइटिंग, बिकॉज इस एसे राइटिंग और इसका एक दूसरा नाम है विप्रो कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि आपको नाम में आप ब्लंडर ना करें. लाइक दोनों की जो मीनिंग होती है वो सेम ही होती है और दोनों में चीज़ें आपको सेम पूछने वाली है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू क्रैक इट लाइक दैट विद अ गुड स्कोर, गुड ग्रामेटिकल, विदाउट ग्रामेटिकल इरर, इन विद इन अ टाइम पीरियड और नॉट. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ माई प्रोफाइल. सो गाइज, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विप्रो की कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग CSE बैकग्राउंड से हो या फिर किसी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि कोडिंग मस्ट है. ओके, और एप्टीट्यूड रीजनिंग कर लेते हैं, बट विप्रो की ऐसी राइटिंग उसमें आके फंस जाते हैं. फंस जाने का मतलब ये हुआ कि वो इंग्लिश तो लिख लेते हैं लेकिन उसमें ग्रामेटिकल फ्री होनी चाहिए. किस तरीके से जो ऐसे है उसको स्टेंजा वाइज सेट करना है, किस तरीके से प्रॉपर ब्रीफिंग करना है, किस तरीके से कंक्लूजन देना है, कैसे इंट्रोडक्शन दे देना है, वो करने में उन्हें इरर आती है जिसके खातिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आप देख रहे हो कि आपको किस तरीके से पैसेज को या फिर पैरा को या ऐसे को फ्रेम आउट करना है. ओके, सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. ओके, तो जो विप्रो की जो ऐसे की जो ड्यूरेशन होती है टोटल 20 मिनट्स होती है. लाइक जैसे आप ऐसे स्टार्ट करोगे ऐसे सेक्शन, तो यहाँ पे जो 20 मिनट की टाइमर चलने लगेगी एंड यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 20 मिनट्स. ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि मतलब हमें लिखना क्या है, मतलब हमसे पूछा क्या गया. अगर आप बिना टॉपिक को अंडरस्टैंड किए लिखना स्टार्ट कर दिए तो वो आप जेन्युइनली ऑन द फैक्ट नहीं लिख पाओगे. उसके बाद सेकेंडली जस्ट प्लेन प्लेन एंड प्लान एंड आउटलाइन. ओके, लाइक क्या क्या मुझे लिखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन सी वर्डिंग को इस्तेमाल करना है, काइंड ऑफ दैट. ओके, एंड थर्डली द स्ट्रक्चर योर ऐसे, स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे. आई मीन टू से दैट कि फर्स्टली आपको अगर लिखने के लिए दिया तो पहले आपको क्या लिखना है कि इंट्रोडक्शन देना है. ओके, इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या करना है कि आपको एक पैरा छोड़ना है. पैरा छोड़ने के बाद जो भी आपकी पैसेज है कि जो मेन थीम है उसकी ब्रीफिंग करनी है. ब्रीफिंग करने के बाद जिसने आपने ब्रीफिंग किया उसके बाद फिर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, और ब्रीफिंग करने के बाद जो भी आपने ब्रीफ किया उसको थोड़ा सा और एग्जीक्यूट करना है, ठीक. एंड थर्डली आपको क्या करना है कि एट द एंड में कॉन्क्लूजन देना है. ओके, इस तरीके के स्टेंजा के पैरा में आप एक करते हुए एक ऐसे को लिखते हो तो बिलीव मी कि आपकी वो जो ऐसे है उसको कोई काट नहीं सकता है, वो आपको टोटल मार्क्स मिलनी ही मिलनी है, दिस इज कन्फर्म. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड जो कि विप्रो के एग्जाम में इसी तरीके से चीज़ें फ्रेम आउट होगी. ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है कि राइट द बॉडी. बॉडी मीन्स टू अ ब्रीफिंग सेक्शन लाइक इंट्रोडक्शन, ब्रीफिंग, एग्जीक्रेशन, कंक्लूजन को अगर आप एग्रीग्रेट अमाउंट में देखो तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए ब्रीफिंग. ओके, एंड सिक्स पॉइंट इज अ राइट अप कंक्लूजन जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा. एंड स्टेप 7 इज फिनिशिंग टच लाइक रिवाइज एंड चेक द ऑर्डर. इट मीन्स दैट कि अगर आप ये पूरा लिख लो तो आप अपने हाथ में एटलीस्ट 1 to 2 मिनट लेकर चलो कि ये चीज़ों को आप फिर से एक बार पढ़ो. पढ़ने के बाद अगर कहीं ग्रामेटिकल इरर है, कहीं पे कॉमा या फिर फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन अगर छूट गई है तो वो फिर आप उसे प्रॉपर नोटिसन दो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए यू नो लाइक ऐसे राइटिंग काइंड ऑफ ए थिंग दैट कि डूज एंड डोंट्स. ओके, लाइक मिस्टेक्स टू अवॉइड राइटिंग एन ऐसे. लाइक अगर आप कुछ भी पैरा लिखते हो, स्टैंजा लिखते हो, तो इट्स बेसिकली दैट कि मिस्टेक विल अराइज. ओके, एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट कि आपने स्कूल्स में कॉलेजेस में भी लिखा होगा तो मिस्टेक्स होती ही होती है. तो क्या चीज़ की चीज़ों को ध्यान में रखना है, लाइक कीप द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द एसे इन माइंड. लाइक कि आप किस तरीके से चीज़ों को फॉर्मेट करोगे उसको अपना दिमाग पे रखो, दिमाग से रीड करो, आप स्क्रीन पे लिखो लेकिन आपका दिमाग पे वो चलते रहना चाहिए. ओके, सेकेंडली डोंट यूज टू मैनी कोट्स इन योर एसे. तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर आप बहुत सारी कोट्स को अगर लिख देते हो तो उस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो खुद का आइडिया है, मतलब विप्रो की टीम को या फिर किसी भी एग्जाम को आप दो जहाँ पे ऐसे राइटिंग आपको देना तो उनको लगेगा ये कि आप अपना खुद का आइडिया को क्या कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे. खुद की आइडिया को मतलब आप एक्सप्लेनेशन ना करने के अलावा आप एनदर वन की आइडिया को क्या कर रहे हो कि एक्सप्लेनेशन कर रहे हो. इट इज अ काइंड ऑफ एरर. और डोंट्स. ओके, लाइक अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट एंड एब्रिविएशन. व्हाट डज इट मीन्स. ओके, सो द वर्ड कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ ए मीन कि आपको कुछ इस तरीके की वर्ड्स की इस्तेमाल नहीं करनी है जो पार्टिकुलर रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपको किसी तरीके के ऐसे लिखने के दिया और अगर आपने इस तरीके की वर्ड का इस्तेमाल किया जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन या फिर सोसाइटी या फिर कंट्री या फिर आपके किसी भी देश की कल्चर को क्या कर रही है कि हिट कर रही है, तो आपको इस तरीके की चीज़ों का जो इस्तेमाल नहीं करना है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ आई थिंक यू गाइज आर अवेयर फ्रॉम इट कि डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. ओके, बट विप्रो में क्या है कि 400 वर्ड्स की लिमिट होती है.
टू कम्प्लीट योर एसे विद इन द 400 वर्ड्स, डोंट गो बियॉन्ड द 400 वर्ड लिमिट, इट शोज योर यू नो काइंड ऑफ ए ओवर कॉन्फिडेंस इशू एंड इट इज रॉन्ग इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. एंड लास्ट पॉइंट इज आइड की डोंट राइट अबाउट टू मैनीज आइडिया, जस्ट स्टिक्स टू वन. अब इस तरीके में क्या होगा कि बहुत सारे आप अगर आप आइडिया को लिख दोगे तो क्या होगा जाकर कि आपकी जो फोकस लेवल है इच आइडिया की, तो वो क्या करेगा कि लैग कर जाएगा. ठीक है, आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे. इसलिए डोंट राइट टू मैनी ऑफ आइडियाज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. एंड दिस इज अ टिप्स टू लेवल अप एसे, मतलब आप क्या क्या ऐसे कर सकते हो कि आपकी जो एसे है वो कैची हो. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब एंड स्मैश योर डॉट्स ऑन कॉमेंट्स. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. एंड द गाइज हु जो पहले से देख रहे हो, नोज कि अगर जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर रखा है, लाइक इस आइडिया पर पिंग कर रखा है, मैंने उसकी सारी डाउट्स को वन टू वन मैंने सॉल्व की हुई है. अगर गाइस पुराने कोई लोग हैं तो वो ही और सी नोज. ओके, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन दिस टू लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. ओके, सो टिप्स कुछ इस तरीके के, कैची एंड अ बोल्ड इंट्रोडक्शन. तो गाइस ये नॉर्मल सी एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई लोग अगर अटेंशन सीकर होता है या फिर कुछ अलग सा अटायर पहन के आता है या कुछ भी अलग करता है तो लोग उसे पार्टिकुलरली नोटिस करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन पे. ओके, तो अगर आप एक कैची और बोल्ड इंट्रोडक्शन दोगे तो वो चीज़ें नोटिस पे होगी. तो इस तरीके से आप लेवल अप कर सकते हो. सेकेंडली दैट की अ थेसिस स्टेटमेंट दैट शुड डिस्क्राइब योर आइडिया. तो इट मीन्स दैट कि अगर आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दो क्योंकि आइडिया को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करें, मतलब विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल. थर्डली कि बैकअप योर पॉइंट विद अ वेल एनालाइज्ड कोटेशंस. तो आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि बहुत सारा कोटेशंस यूज नहीं करना है, बट आप अगर चाहो तो कुछ ऐसा कोटेशन दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए कोटेशन, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए फैक्ट. तो इसमें क्या है कि इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता या फिर इसे गलत नहीं हो सकता. तो काइंड ऑफ ए दैट कि ऐसा कोटेशन का एक्सप्लेन करो कि दैट प्रॉपरली एक्सप्लेन योर पॉइंट विद अ प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट. ओके, एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत से लोगों का सिलेक्शन इस कारण नहीं होता है कि वो क्या करते हैं, सेंटेंस तो फ्रेम आउट कर लेते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट वो ग्रामेटिकल इरर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऐसे थिंग्स और डिबेट थिंग्स और वॉट एवर द सिचुएशन. लाइक अगर आपका ग्रामर इधर है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इधर किया, अगर आपने इज के जगह पे आपने आर का इस्तेमाल किया, ओके, आपने वॉज के जगह में वेयर का इस्तेमाल किया, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए क्या, ग्रामेटिकल इरर. ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ए ग्रामेटिकल इरर. और इन दिस जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या होता है कि वो लॉन्चर खुलने के बाद आपकी जितनी भी बैकएंड की चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि माई सिस्टम हैज़ द ऑटो अपडेट ऑटो अपडेशन ऑफ ए ग्रामरली, एंड अगर मैं गलत भी लिखूंगा तो वो मुझे वहाँ सजेस्ट कर देगा सही लिखने को. तो ग्रामरली जो है ऐसे पे काम नहीं करती है. लाइक जब भी एग्जाम्स होगी तो ग्रामरली वहाँ पे अपडेट नहीं लेती है, और ग्रामरली का वहाँ कोई यूज नहीं होता है, आपको जो करना है खुद से करना है. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कि यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड्स, वोकैलबरी. ओके, तो वोकैलबरी इट मींस दैट कि मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई स्पेलिंग लिखो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे लिखना है डेंजरस, ओके, तो मैंने लिखा डेंजरस. ओके, तो ये जो भी लिखो तो आप स्पेलिंग को करेक्ट लिखो, ठीक है, स्पेलिंग गलत मत करना. और कभी भी लिखो तो ऐसा कोई कैची या सिनोनिम्स वोकैबुलरी का इस्तेमाल करो जो कि उस पैरा से, उस लाइन से, उस स्टैंजा से रिलेट कर रहा है. कुछ अलग सा वोकैबुलरी का इस्तेमाल मत करो जो उसे रिलेट नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा वोकैबुलरी का इस्तेमाल मत करो जो कि गलत हो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द एग्जाम्पल डिस्कसिंग दिस ऑल पॉइंट्स. आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दैट कि अगर मैंने जो अभी तीन स्लाइड में ये स्लाइड और जिसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया, अगर आपकी ये पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप इन पॉइंट्स को क्लियर करो, उसके बाद इन चीज़ों पे आओ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है. और ये चीज़ आपको यहाँ तक में आप लिमिट नहीं होने वाले हो कि ये मैं सीख जाऊँगा तो मैं विप्रो एग्ज़ाम निकाल लूँगा. इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दो, लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी और वॉट एवर द एग्ज़ाम्स यू गोना फेस इन फ्यूचर, एंड ऑन दोज एग्ज़ाम्स करिकुलम देर इज अ काइंड ऑफ एसे, राइटिंग, कम्युनिकेशन टेस्ट और वॉट एवर. ओके, you will find this kind of a video helpful for your preparation. So for the sake of this, if you want you can subscribe my channel for these kinds of update. Okay, so as I earlier I told you ki aap koi bhi video utha ke dekh lo, koi bhi preparationary video like talent battle, prepist or whatever, wo yahi suggest karenge ki aapko
प्रॉपर एस्टेंजा में सेंटेंस को ऐसे को फ्रेम आउट करना है। लाइक मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि हर एस्टेंजा के बाद थोड़ा स्पेस देना है, काइंड ऑफ ए गैप देना है। तो आप देखो कि ये जो मैंने लिख रखा है करप्शन पे, दिस इज ए काइंड ऑफ एसे ऑन करप्शन, उसमें मैंने क्या रखा है कि फॉर एग्जाम्पल की विप्रो की जो कम्युनिकेशन टेस्ट हुई उसमें आपको दिख रखा है कि या राइट एसे ऑन अबाउट करप्शन इन समवेयर बिटवीन 400 वर्ड्स, ओके, एंड द टाइमर स्टार्टेड ऑन ऑफ 20 मिनट्स, ओके। तो आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक आपको क्या करना है कि हर टॉपिक के बाद में एक प्रॉपर स्टैंजा या फिर थोड़ा स्पेस छोड़ना है, थोड़ा गैप छोड़ना है। दिस इज ए कॉल्ड ए प्रॉपर ब्रीफिंग, ओके। कि विप्रो की जब मैंने एग्जाम दी थी तो मुझे ही जो बिट जो ऐसे मिला था वो समहाउ रिलेटेड टू करप्शन ही मिला था, इसलिए मैंने करप्शन को यहाँ पे आपको लिखकर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो फर्स्टली आप यहाँ पे देखो कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया। मैंने आपको प्रीवियस राइट में बताया कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करो कैची कैप्शन से और कैची कोट से, ताकि वो एक अटेंशन ग्रैबिंग हो। तो मैंने यहाँ लिखा है कि कोट सेज दैट वन कैन नॉट फाइट करप्शन बाय फाइटिंग इट, एंड दिस इज इंटायरली करेक्ट, ओके। तो अब जब भी कोट लिखो तो प्रॉपर पंचुएशन एंड ग्रामेटिकल इरर, ये दो चीज़ों की आपको ख्याल रखनी ही रखनी। ये जो वर्ड्स है ऐसे राइटिंग है, यहाँ पे एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है कि आपकी अगर पूरी ऐसे में अगर 7 to 8 मिस्टेक्स से ज़्यादा हुई तो ठीक है, तो इससे ज़्यादा हुई तो यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्टेड इन विप्रो एग्जाम्स, ओके। दिस इज ए थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ऐसे ही मैंने यहाँ पे वो दिया, लाइक मैंने वन कैन नॉट करप्शन वाई लिखा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसे एक प्रॉपर पंचुएशन के साथ जो भी ग्रामर के रूल होती है कोट की, मैंने इसे कोट में इसको इन्वेलप किया। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस खत्म होने के बाद मैंने यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, उसके बाद जब सेंटेंस स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ कैपिटल लेटर को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दोगे और इसके बाद अगर स्मॉल से करप्शन को स्टार्ट करोगे, दिस इज ए काइंड ऑफ ए ग्रामेटिकल एरर विच काउंट्स, क्योंकि विप्रो की जितनी भी कॉपी चेकिंग होती है और आपकी जो एग्जाम चेकिंग होगी वो वर्चुअली होती है, वो बाय मशीन्स होती है। तो ये अगर ये ऐसे वहाँ पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली द मिस्टेक्स गोना डिटेक्टेड एंड यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्टेड ऑन दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम्स। प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट, ओके। एंड यहाँ पे आपने बताया, मैंने बताया आपको कि फिर आपको गैप छोड़ना इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, बट आई विल सजेस्ट कि अगर 400 वर्ड्स की पैरा होने वाली है या फिर ऐसे होने वाली है तो उसे अगर आप 3 पैरा या 4 पैरा में लिखना चाहते हो तो उसे आप डिवाइड करो। लाइक अगर आप 400 पैरा पर लिखना चाहते हो तो 400 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस दैट कि एक जो पैरा होगी वो 400 वर्ड की होगी अराउंड। इट्स नॉट इंट्रोडक्शन बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग, काइंड ऑफ दैट। एंड सेकेंडली दैट टॉपिक ब्रीफिंग को आप टॉपिक एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, काइंड ऑफ दैट, बिकॉज ब्रीफिंग एक्सप्लेनेशन इज ए काइंड ऑफ सिनोनिम्स, ओके। तो हेयर आई मैंशनड ए वर्ड ब्राइबरी, ओके। तो ब्राइबरी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी, ओके। तो व्हाट डज द ब्राइबरी मीन्स, ब्राइबरी इट मीन्स दैट की घुसखोरी, ओके। तो ब्राइबरी इज व्हाट आई थिंक इज सम हाउ ब्राइबरी इज रिलेटेड टू करप्शन एज वी ऑल नो, ओके। करप्शन क्या होता है, करप्शन मतलब होता है काइंड ऑफ ए घुसखोरी देश में, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग घुसखोरी के लेते हैं, पैसा लेते हैं पीछे से, जिसके खातिर लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ब्राइबरी उसका यू कैन से द सिनोनिम्स, ओके। तो ब्राइबरी मीन्स द टैक्टिक दैट इज यूज फॉर फेवर और गिफ्ट फॉर पर्सनल गेन, ओके। तो अगर आप पैसा ले रहे हो, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, खुद के गेन के लिए कर रहे हो, खुद के पर्सनल बेनिफिट के कर रहे हो। तो यही मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो इफ़ आई वॉन्ट देन आई कैन यूज़ द करप्शन हेयर, ओके, फॉर द दिस वर्ड्स विद इन द प्लेस ऑफ ब्राइवरी आई कैन यूज़ द वर्ड करप्शन, ओके, बट फॉर द सेक ऑफ इन्हेंसिंग माई एसे आई यूज़ द वर्ड ब्राइवरी, ओके। सो दिस इज़ द आर्ट ऑफ अ वोकैबुलरी दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर। सो फॉर द सेक ऑफ दैट आई विल रिक्वेस्ट यू, तो प्लीज़ स्मैश योर डॉट्स ऑन द कॉमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ब्राइबरी क्या होती है फर्स्ट लाइन से, उसके बाद मैंने बताया कि ब्राइबरी की क्या टाइप्स होती है और वो किस तरीके से लोगों की जो एसेट्स है उसको बढ़ा देती है लेने के बाद, और जो आम पब्लिक होती है उसको क्या नुकसान होता है। लाइक यूजली देर आर वन और मोर पर्सन इन्वॉल्व हुआ लाइक दैट। तो ये थी वो, जहाँ पर मैंने आपके टॉपिक की पहले शॉर्ट ब्रीफिंग की, बट आई सजेस्ट कि आप इसे थोड़ा और लेंदी करो और थोड़ा खींचो, द काइंड ऑफ एक्सीग्रेशन। लाइक मैंने यहाँ पर जो भी टॉपिक ब्रीफिंग की उसकी ये एक्सीग्रेशन पार्ट है। तो हेयर आई यूज द वर्ड नेपोटिज्म, दिस इज ए काइंड ऑफ द आर्ट ऑफ अ वोकैबुलरी, दिस इज ए काइंड ऑफ ए आर्ट ऑफ अ वोकैबुलरी। बट आई विल सजेस्ट कि इफ यू नो फ्यू दिस काइंड्स ऑफ ए वर्ड्स, ओके, इफ यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस काइंड्स ऑफ ए वर्ड एंड इफ यू नो द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, यू नो आर्ट, जानते हो इस वर्ड को कि कहाँ पे इन सब वर्ड्स को हम प्लेस करें तो प्रॉपर एक फ्लेवर आ जाए, तो यू कैन यूज़। बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर इफ़ यू डोंट नो द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, द
देन गो फॉर बेसिक वर्ड्स, ओके, बिकॉज इन द वर्ड्स ऑफ एक्सटॉर्टर्स की जगह आप ब्राइबरी भी यूज़ कर सकते हो, नेपोटिज्म की जगह कुछ और आप यूज़ भी कर सकते हो, तो वो बहुत मस्ट है. बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट गो फॉर रॉन्ग वर्ड्स. लाइक अगर आप कुछ रॉन्ग वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि रिलेटेड नहीं है पैरा से या फिर ऐसे से, तो वो जो है वो ऐसे पे वो फील नहीं आ पाएगा, ठीक है. एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एनी एसे, दैट इज कंक्लूजन पार्ट. ओके, तो वॉट डज दिस कंक्लूजन पार्ट मीन्स? ओके, तो कंक्लूजन इज ऑल अबाउट योर व्यू. जस्ट माइंड यू माई वर्डिंग वंस अगेन, कि कंक्लूजन इज ऑल अबाउट योर व्यूज. विदाउट योर व्यूज है तो जैसे मैंने लिख रखा है कि द गवर्नमेंट कैन गिव अ बेटर सैलरी टू दियर एम्प्लॉय हु आर इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ अ वर्क दैट दे पुट इन. ओके, तो मैंने जो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट क्या कर देगी कि अगर एक बेहतर सैलरी देगी, ज़्यादा सैलरी देगी एम्प्लॉयर को जो काम करता है, तो उससे क्या होगा कि वो जो बेसिक नेसेसिटी है एम्प्लॉयर की वो फुलफिल होगी और वो ब्राइबरी नहीं लेंगे, जिससे आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी. Like decreasing the workload and increasing worker can also be excellent way to seize this implemented and illegal practices. मैंने बताया कि अगर employer की जो workload है उसको कम कर दिया जाएगा और worker को number of worker को increase कर दिया जाएगा, तो इससे भी इन तरीके की जो corruption की problem है उसे solve किया जा सकता है. एंड थर्डली मैंने बताया कि स्ट्रिक्ट लॉज आर नीडेड फॉर अस. दिस इज ए काइंड ऑफ ए माई सजेशन, माई व्यू, माई कंक्लूजन. ओके, और इन पूरे ऐसे में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि इन एवरी पैरा, इन एवरी लाइन, इन एवरी स्टेंजा देयर इज अ वन थिंग कॉमन, दैट इज अ प्रॉपर यूज ऑफ अ पंचुएशन, दैट इज फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोट्स, एंड सेकेंडली द यूज ऑफ ए ग्रामेटिकल एरर. दिस चैनल यू आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ वीडियोस. इसमें एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट कि इफ यू वॉच टिल एट देन प्लीज गो एंड subscribe and support and please share it with your needy ones, so it will little bit helpful for me for providing you this kind of a content.